छह साल से यहाँ हूँ, 14 साल से लगा रहा हूँ। जितने भी कचौड़ी वाले सबको छोड़ करके यहाँ रुकते हैं कचौड़ी खाने। बढ़िया से कटो कचौड़ी। हेलो फूडी, इस वर्ल्ड फेमस फूडी चैनल पे आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके दोस्त, आपके होस्ट मिस फूडी आर्टिकल, और आज बेहतरीन सी कचौड़ी का स्वाद लेने के लिए हम आ चुके हैं राधे राधे कचौड़ी सेंटर। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बाइक के ऊपर भैया ने पूरा अपना सेटअप बिठा रखा है, और इसी तरीके से ये बाइक के ऊपर पिछले 6 सालों से यहाँ पर अपनी बढ़िया सी कचौड़ी जो है कर रहे हैं सर। तो आज कचौड़ी तो अभी जो है हम भैया से करेंगे एक छोटी सी मुलाकात और करेंगे इनकी बेहतरीन सी कचौड़ी की टेस्टिंग, देन करेंगे अपना रिव्यू कि यहाँ की जो कचौड़ी है वो दिल्ली में वर्ल्ड फेमस होने लायक है या नहीं। तो आइए जल्दी से करते हैं एक छोटी सी मुलाकात, देन करते हैं टेस्टिंग। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले अपना नाम बताएं। नौरंगी लाल जी। नौरंगी लाल, तो यहाँ पे आपको कितना टाइम हो गया कचौड़ी बेचते हुए? ये मैं 6 साल से यहाँ हूँ, 14 साल से लगा रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली आप 14 साल से यही काम कर रहे हो, तो ऐसे बाइक के ऊपर ही सेटअप चल रहा है 14 साल से? क्या बात है। तो आप यहाँ पे कचौड़ी ही खाली सर्व करते हैं, कुछ और भी इसके साथ आप? बस कचौड़ी, खाली कचौड़ी। तो आप मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने देखा है इंटरनेट पर भी आप काफी ज्यादा वायरल हो, काफी ज्यादा फेमस हो, तो ऐसा क्या बनाते हो जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा फेमस? बगैर तेल की सब्जी है मैडम। बगैर तेल की सब्जी है? हाँ जी। क्या बात है। तो चलिए जल्दी से करवाते हैं अपनी एक प्लेट रेडी और कहते हैं उसकी बढ़िया सी टेस्ट। आपकी 4 कचौड़ी सर, ये लो। क्या बात है, कितनी सस्ता कचौड़ी है, आप आवाज सुन सकते हैं। ये लो। साथ में ये आ गया इनका, ये आया दही, गाढ़ा गाढ़ा सा दही। वाह क्या बात है, बहुत ही क्रीमी और थिक। ये आई चटनी, तो ये आ गया इनकी स्पेशल चटनी। चटनी, ये आ गया हींग मसाला, चटनी इलायची की बन दिया जी। इलायची की चटनी, क्या बात है, धनिया इलायची, पहली बार सुना है। ये लो जी साहब, धनिया और प्याज, अब आएगा नींबू। क्या बात है। तो आइए नौरंग जी जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो उनके एक परमानेंट कस्टमर है, उनसे हम करते हैं बात। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरदीप कुमार है। Okay, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे कचौड़ी खाते हुए? लगभग 1 साल। 1 साल, तो टेस्ट तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी कचौड़ी वाले सबको छोड़ करके यहाँ रुकते हैं कचौड़ी खाने। हाँ, यहाँ मैंने देखा लाइन में तकरीबन 2-3 कचौड़ी वाले लगे हुए हैं, तो आप सबको पार करके यहाँ पे आते हो खाने के लिए। तो ऐसा बढ़िया क्या लगता है इनके टेस्ट में? इनका मसाला, इनकी सब्जी, सब कुछ फ्रेश होता है, सब चीज बढ़िया, खाते ही मतलब आनंद आ जाता है। क्या बात है। अगर हम मार्किंग की बात करें तो 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10, अगर 11 दे सकते हो तो 11 भी दे सकता हूँ। क्या बात है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ की जो कचौड़ी है वो कितनी ज्यादा टेस्टी, कितनी ज्यादा फेमस है। तो आइए जल्दी से करते हैं अपने फूड की टेस्टिंग। तो ये हो गई है हमारी कचौड़ी रेडी। तो इसका कितना प्राइस है? 30 रुपए मात्र 30 रुपए में। देखिए ये जो है ये बढ़िया सी कचौड़ी हो गई है हमें सर्व। देखिए क्लोजर लुक दिखाना चाहूंगी। जो इनकी स्पेशलिटी है वो ये है कि इनकी जो ये सब्जी है, सब्जी में एक बूंद भी ऑयल नहीं डलता है, तो ये बिना ऑयल की सब्जी है। तो करते हैं इसे फटाफट से टेस्ट। एक बढ़िया से एक बाइट ले लिया हमने। इनकी कचौड़ी है वो काफी ज्यादा खस्ता है, जैसे इन्होंने लेमन डाला उसका हल्का सा एक टैंगी फ्लेवर आ रहा है, और टेस्ट ओवरऑल जो है काफी बढ़िया लग रहा है बना। जैसा कि इनकी जो सब्जी है वो बिना तेल की है, उसके अकॉर्डिंग काफी बढ़िया है। तो एक बाइट और। बहुत ही बढ़िया, डेफिनेटली डेरी में बहुत। तो अगर आप भी लेना चाहते हो इस बढ़िया सी टेस्टी टेस्टी कचौड़ी का स्वाद, तो आपको आना होगा, बहुत ही इजी लोकेशन है, द्वारका सेक्टर 24 है, उसके पास में गोयला डेयरी की जो है रेड लाइट है, और पास में है कब्रिस्तान। जी हाँ, कब्रिस्तान के बिल्कुल पास में ये बढ़िया सी कचौड़ी आपको खाने को मिलेगी। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान में आपको सब सोते हुए मिलेंगे। तो आइए ये बढ़िया सी कचौड़ी का लुत्फ उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Love you all. Bye-bye.